हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? यस। जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हम इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है, उसको कैसे सोल्व करते हैं, इस वीडियो में हम देखते हैं और समझते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन, हाउसेज इन रो आर नंबर सीरियसली फ्रॉम 1 to 49। एक रो में हाउसेज जितने भी बने हुए हैं, उन हाउसेस को हमने सीरियल वाइज नंबर दिए हैं, और वो नंबर कहाँ से कहाँ तक दिए? 1 to 49 तक, ठीक है ना? सो दैट वन वैल्यू ऑफ एक्स इज सच दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द मार्क हाउसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेज सक्सीडिंग द मार्क हाउस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये यू कह रहा है कि एक हाउसेस जो किसी रोम में बने हुए हैं 1 से लगाकर 49 तक, यानी कि जितने भी हाउसेज है, पहले वाले हाउसेज को 1 नंबर दिया, दूसरे वाले को 2 नंबर दिया, तीसरे वाले को 3 दिया, और लास्ट वाले को अपन ने दिया 49। इस तरह से एक रो में 1 से 49 हाउसेज है। फिर आगे ये लिखा हुआ है कि 1 से लगा के 49 जितने भी हाउसेज है, अब हमें उसके बिटवीन कोई भी एक मार्क वैल्यू हाउसेस का ऐसा बताना है, यानी कि एक ऐसे मकान का नंबर बताना है कि उस मकान के नंबर के इस तरफ, यानी प्रेसिडिंग वैल्यू, जितने भी मकान नंबर आ रहे उन सब का सम, और इस एक्स के इस तरफ वाले जितने भी मकान के सीरियल नंबर आ रहे उन सब का सम आपको इक्वल हो, तो बताओ वो मार्क वैल्यू, वो मकान नंबर जिसको हमने x लिखा है, ये x लिखा हुआ है, वो x क्या होगा, वो आपको इस वीडियो में फाइंड करना है। तो लेट करके मैंने यही थ्योरेटिकल की फॉर्म में लिखा है कि x एक ऐसा नंबर लेते हैं जो प्रेसिडिंग वाली नंबर का सम और सक्सीडिंग वाली नंबर का सम के बिटवीन है, यानी इससे पहले वाले का सम और इसके बाद वाले का सम दोनों इक्वल है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हाउसेस जो पहले वाले हाउसेस को 1 दिया, दूसरे वाले को H2, और इस तरह से लास्ट वाले को H49। हमने इसका सीरियल नंबर दिया, पहले वाले को 1, दूसरे वाले को 2, 3 और इस तरह से 49। अब हमने एक इसके बिटवीन ये X एक मकान का ऐसा नंबर रखा है, हाउसेस का एक ऐसा नंबर रखा है कि इस X के इस तरफ जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सभी का सम, और इस X के सक्सीडिंग यानी कि इस एक्स के बाद वाले जितने भी नंबर आ रहे हैं, मकान के नंबर आ रहे हैं, उन सभी नंबर का सम हमेशा इक्वल हो, यानी कि इस तरफ वाली वैल्यू और इस तरफ वैल्यू, इस एक्स के इस तरफ और इस एक्स के इस तरफ, इन दोनों का सम हमेशा इक्वल हो, ये लेके अपन को सोल्व करना है। तो एक्स जो लिया है इससे पहले वाली वैल्यू इससे कम होगी, तो यानी कि यहाँ वैल्यू आएगी x-1, यहाँ हाउसेस के जो नंबर होंगे वो x-1 होंगे। ये हाउसेस नंबर जो x है इसके बाद वाला इससे एक बड़ा होगा, तो यहाँ लिखा हमने x+1, फिर लास्ट में आया ये 49। अब हमारे पास ये सीरियल नंबर चल रहे हैं 1, 2, 3 से लगा के यहाँ तक, ये समझ लो इसका nth टर्म है, यानी एक इस तरह से चल रहा है, इस x के पहले जो एक तरह से एपी बन रही है वो ऐसे बन रही है 1+2+3, और लास्ट वाला nth टर्म आ रहा है आपका x-1। फिर इस x के बाद कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? x+1 से स्टार्ट हो रहे हैं, x+1, x+2, x+3, इस तरह से ये चल रहे हैं 49। इस x के बाद वाली ap एक इस तरह से चल रही है, ठीक है ना? अब सीरियल नंबर दिया है 1 से 2, 2, 3, 4, 5, तो हमेशा इसका आप देख सकते हैं 5 टर्म a है, और कॉमन डिफरेंस 2-1 करेंगे तो 1 आएगा, a इक्वल 1 है और d इक्वल भी 1 है। यहाँ इधर n आपका बताएगा x-1 और इधर n बताएगा 49। अब आप देख सकते हैं, मैंने इस वाले को तो ऐसा लिखा, इस वाले का सम यानी कि यहाँ से यहाँ तक का सम जो है मैंने उसकी ap को ऐसा कैसे लिखा। अब मुझे इसके बाद वाले यानी कि x+1 से लगाकर 49 तक का सम मुझे फाइंड करना है। इसको मैं रिप्रेजेंट इस तरह से करूँगा, इसका यहाँ से यहाँ तक मुझे सम कैसे लाना है, तो मैं क्या करूँगा, 1 से लगाकर 49 तक इन सभी का सम, यानी ये लिखा, इसमें से अगर यहाँ तक ये x तक अगर मैं माइनस कर दूँ
यानी यहाँ से लगा के यहाँ तक मैं अगर माइनस कर दूँ तो बच गए जो आपके पास ये टर्म होंगे और इसी की वैल्यू आपको ये चाहिए। तो कैसे किया है, यहाँ से लगा के यहाँ तक पहले टोटल इसका सम वो क्या होगा 1 से 49 तक का, और इसमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चाहिए तो टोटल में से अपने यहाँ से यहाँ तक ये सब माइनस कर देंगे, ये सब माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने ऐसे लिखा 1 से 49 तक लिखा, इसमें से मैंने ये वाला x तक यहाँ से यहाँ तक का माइनस कर दिया। अब इसको आप ऐसे देख सकते हो, आप s यानी सब मैंने किया है कहाँ तक टर्म किया है, x माइनस वन तक का टर्म किया, और x प्लस वन से लगा के 49 तक का सम कैसे लिखेंगे, टोटल 1 से लगा कर 49 तक के सम यानी एस 49 में से x से पहले पहले वाले जितने भी टर्म हैं वो माइनस कर देते हैं तो इसके पीछे वाले यहाँ से ये वैल्यू आ जाती है, तो ये इसकी वैल्यू बताएगी। अब आपके पास यहाँ देखो ये n दे रखा है, फर्स्ट वाली वैल्यू आपके पास गिवन है, लास्ट वाली वैल्यू गिवन है, तो हम इसका sn वाला छोटा फॉर्मूला लगाएंगे n/2a+an। अब हम यहाँ n आपका ये बताता है फर्स्ट वाली वैल्यू 1 होगी यहाँ क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, और ये an होगा यहाँ, फिर इसमें आप देख सकते हैं इसमें लास्ट वाला ये आ रहा है 49 वाला, और n आपके ये हो गया a, ये हो गया, फिर इसमें x होगा, ये भी x होगा, और ये अपने इस तरह से लिखे हैं। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये 1 से ये 1 कट जाता है, हमारे पास आता है x x-1/2, इधर आएगा 49/2, ये एड हो जाएगा 50, इस तरह से इसको हम करेंगे तो x+1x/2। अब हम क्या करेंगे, x x+1 इसको एक तरफ रखेंगे यानी LHS साइड में रखेंगे, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो ये वैल्यू इधर आके प्लस होगी। अब ये वाली वैल्यू मैंने दो की टेबल से काटी 25, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये 49 × 25। अब यहाँ मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि आगे इसका स्क्वायर रूट कहीं हमें निकालना पड़ेगा, तो ऐसा ही लिखा मैंने। फिर LCM लिया 2, ये वैल्यू ऐसे कैसी, ये वैल्यू भी ऐसे कैसी, फिर इस ब्रैकेट को ओपन किया मल्टीप्लाई करके, तो x²-x + x² + x, प्लस का x और माइनस x कट जाएगा, x² हम ऐड करेंगे तो 2x² होगा, 2x² / 2, ये वैल्यू ऐसे कैसी अपन लिखते गए। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 1² ये आ गया, और इसका ये वैल्यू ऐसे कैसी लिखी, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट इसका आएगा 7, इसका आएगा 5, अब इसका मल्टीप्लाई हो गया 35, यानी x इक्वल मिला 35, यानी कि हाउसेस जो चल रहे हैं नंबर 1, 2, 3 से 49 हाउस तक, इसमें 35वां यानी कि 35 नंबर वाला हाउस ऐसा है, ये ऐसा नंबर है कि इससे पहले वाले यानी कि 1 से 34 तक, इन 1 से 34 तक के सम की वैल्यू जो भी है, और इस 35 के बाद वाले यानी 36 से 49, इनका सम पहले वाले ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल आएगी, इसलिए आपको मार्ग वैल्यू जो पूछी है, जो हाउसेस नंबर पूछा है, उसका आंसर क्या है 35। इसमें अपन नेगेटिव नंबर तो कभी किसी मकान का देते ही नहीं है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं लिखेंगे। इस तरह से बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 5 जिसमें टोटल मैंने लगभग 16 वीडियो आपको इस चैप्टर नंबर 5 के अलग अलग मेथड के क्वेश्चन लेके मैंने आपको समझाया है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लेंगे इसमें हम अगला 18 चैप्टर लेंगे, और ये आप इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब वीडियो में जो भी जितने भी बता रखे हैं सब आपको बार बार देखना है, समझना है, और मैं आशा करता हूँ कि इसमें जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है इसमें आप पूरे में से पूरे नंबर लाओगे। थैंक यू।